जी आप किसी का पैसा दो ना दो लेकिन मेरे पैसे चुका दो। आपके घर के बार बार चक्कर लगाते लगाते और पैसा मांगते मांगते मेरी चप्पल घिस गई। अखिलेश पैसे का क्या करोगे, पैसा तो आती जाती माया है। आज तुम्हारे पास है कल मेरे पास होगा, कल मेरे पास है परसों किसी और के पास होगा। लेकिन मोदी जी मुझे नहीं लगता कभी आपके पास पैसा होगा, अगर आपके पास पैसा होता तो आप हमारा उधार चुका ही ना देते। अखिलेश वक्त सबका बदलता है, मेरे पास भी एक दिन पैसा होगा। इस बार की सारी फसल मेरी बाढ़ में बहेगी जिसकी वजह से मुझे आप सब लोगों से उधार लेना पड़ा, नहीं तो पैसा मेरे पास भी बहुत होता। अगली बार फसल अच्छी होगी तो काफी पैसा हो जाएगा। और मनोहर लाल खट्टर जी का अखिलेश आराम से चाय पियो, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बनवाई है। लेकिन मोदी जी हमारे लिए तो आपने कुछ नहीं बनवाया, आप तो आराम से चारपाई के नीचे चादर में छुप गए। अखिलेश के आपके ऊपर 2000 रुपए, आप उसे चाय पिला रहे हैं, जबकि मेरे और राहुल के आपके ऊपर 10-10 हजार रुपए आ रहे हैं, तो आप हमें बिना चाय के ही बैठाले पड़े। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आप चारपाई के नीचे चादर में क्यों नीचे लेटते हो? देखो लालू जी मैं पहले आपको बताऊं, मेरे पास सिर्फ 2 ही कप चाय बनाने के लिए दूध था, वो भी उधार मंगाया था, और वो ही 2 कप चाय बना के मैंने अखिलेश को और मनोहर लाल खट्टर जी को पिला दी। और दूसरी बात, मैं ये चारपाई के नीचे चादर में छुपके इसलिए बैठता हूँ कि कोई कर्जे वाला अगर मुझसे उधार लेने के लिए आए तो मुझे देख ही ना पाए, वो खाली चारपाई देखकर भाग जाए। अरे ये लालू जी पैरों की आहट किसकी आ रही है? मोदी जी ये तो योगी जी चले आ रहे हैं अपनी तरफ। अरे इनसे भी मैंने 25,000 रुपए उधार लिए थे, ये भी पैसे लेने के लिए आ रहे हैं। इनसे कहना मैं घर पर नहीं हूँ, मैं अंदर चादर के नीचे सर छुपा ले रहा हूँ, अगर किसी ने मेरे बारे में बता दिया तो उसके पैसे नहीं दूंगा। अरे लालू जी मोदी जी कहाँ पर हैं और तुम सब लोग कैसे बैठे हो? योगी जी मोदी जी तो खेतों पर काम करने के लिए गए, हम तो उनका बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं, शाम को आएंगे वो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, ये अखिलेश और मनोहर लाल खट्टर जी तो चाय पी रहे हैं, जब मोदी जी घर पर नहीं है तो मोदी जी के घर पर ये चाय कैसे पी रहे हैं? अरे योगी जी ये चाय तो हम अपने आप घर से लाए थे, हमें मालूम है मोदी जी तो कर्जे में डूबे पड़े हैं, वो तो हमें चाय पिलाएंगे नहीं, इसीलिए हम घर से ही चाय ले आए थे। और योगी जी हम सब लोग भी घर जा रहे हैं, आप भी घर जाओ, मोदी जी जब शाम को आएंगे तभी उनसे पैसे लेने के लिए अपना लोग आएंगे। और पहले को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी मुझे पता नहीं था ये कश्मीर की यात्रा इतनी कठिन यात्रा होगी, बिहार में गर्मी जरूर थी लेकिन मैं बिहार में ही सही था। आपने कहा चलो इस टाइम अपने एरिया में गर्मी बहुत पड़ रही है, पहाड़ी एरिया में कश्मीर घूम कर आते हैं, लेकिन मैं सबकी बात टाल नहीं सका, मैं साथ में चला आया, लेकिन इन पहाड़ों पे तो चलना मुश्किल हो रहा है, मैं नहीं चल पाऊंगा। और यहाँ पर ठंड इतनी ज्यादा है कि शरीर के ऊपर से कंबल उतारा नहीं जा रहा है। लालू जी अगर पहाड़ों पे तुम चल नहीं पाओगे तो तुम्हारे लिए हमने 1 पहिया गाड़ी किराए पे ले लिए, इसी में बैठा के तुम्हें कश्मीर पूरा घुमाते रहेंगे। लेकिन लालू जी मैदानी इलाकों में बहुत गर्मी थी, कश्मीर में आके मजा आ गया, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। मोदी जी मुझे तो मालूम था यहाँ कश्मीर में इतनी ज्यादा ठंड होगी, इसीलिए मैं स्वेटर और जैकेट साथ में ही लिया चला आया, नहीं तो बहुत ज्यादा ठंड लगती, आप तो कंबल ओढ़े हुए हैं। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, कम से कम मुझे तो बता देते यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड है, मैं तो खेतों से काम करता हुआ ऐसी चला आया यहाँ पर, मुझे क्या पता, मैं समझे अपने पूरे भारत में ही एक सी गर्मी पड़ती होगी। मैं पहली बार यहाँ पर कश्मीर में आया हूँ, मुझे क्या पता यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड होगी, बहुत ठंड लग रही है। योगी जी आप स्वेटर और जैकेट एक साथ पहने हुए हो, कम से कम जैकेट मुझे दे दो। राहुल एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें जैकेट दे दूंगा तो मुझे ठंड नहीं लगने लगेगी? अभी तुम्हें अकेले ठंड लग रही है, फिर मुझे भी ठंड लगने लगेगी, ना तुम्हारा भला होगा ना मेरा भला होगा, इसीलिए तुम ऐसी खड़े रहो, घर से कंबल और स्वेटर क्यों नहीं लाए? राहुल होटल में चल के मैं तुम्हें एक स्वेटर दे दूंगा, मैं अपने बैग में रख के एक अलग से स्वेटर लाया हूँ। अरे अखिलेश भी तो गर्मी वाले कपड़े पहनकर यहाँ कश्मीर में चला आया है। केजरीवाल जी इस 1 पहिया गाड़ी में सही से धक्का लगाओ, लालू जी में वजन बहुत है। लालू जी बेफालतू में आप हमारे साथ कश्मीर में पिकनिक पर आ गए, आपके पहाड़ों पर न चढ़ने की वजह से हमारी भी पिकनिक खराब हो रही है। अखिलेश क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? राहुल को तो ठंड लग रही है। नहीं केजरीवाल जी कितनी भी कड़ाके की ठंड पड़े मुझे बिल्कुल नहीं लगती है, मई जून के महीने में भी मैं ऐसी कपड़ों में फिरता हूँ, कितनी ठंड पड़े मई जून में। अरे अखिलेश बेफालतू की बात करती हो, मई जून में तो गर्मी पड़ती है, गर्मी में तो तुम ऐसी फिरते ही होगे। चलो भाई लोगों घूमना बहुत हो गया, अब होटल पर वापस चलते हैं, फिर अपने घर के लिए निकल जाएंगे। वैसे इस कश्मीर की यात्रा पे आया बहुत मजा, और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
अरे योगी जी, खाना थोड़ी देर बाद खिला देते, अभी तो आपने चाय पिलाई है। चाय के तुरंत बाद में खाना नहीं खाता हूँ क्या योगी जी? ये पहली वाली प्याली में दम आलू है। योगी जी, आप अभी तक नहीं भूले हो, बहुत ध्यान रखती हूँ, मेरा दम आलू की सब्जी मुझे बहुत पसंद है। मोदी जी, बातों में ही वक्त जाया करते रहोगे, खाना शुरू करो, जल्दी खाना शुरू करो। ये देखो, दम आलू के साथ में मैंने टिंडे की सब्जी भी बनवाई है और ये ताजी ताजी रोटी है, जल्दी खाना शुरू करो। और अखिलेश, तुम कैसे बैठे हो? तुम्हारी मनपसंद की मैंने मटर बिरयानी बनवाई है, सब्जी मंडी से ताजी ताजी हरी मटर खरीद के लाया था, खाओ जल्दी खाओ। योगी जी, ये बात तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आप मोदी जी को और अखिलेश को तो खिलाने लगे, और जबकि मैं खड़ा हुआ हूँ वो देखो केजरीवाल जी बैठे हुए, हम क्या ऐसे ही खड़े रहेंगे, हमें खाना नहीं खिलाओगे? अरे दावत पे तो आपने हमें भी बुलाया है। राहुल, सब्र करो, बेफालतू की बात मत किया करो। ये बताओ, इस तरीके की कोई दावत खिलाता है जिस तरीके की मैं खिला रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब है, जिसको जो पसंद है वो चीज मैंने बनवाई है। मोदी जी को दम आलू पसंद है, देखो उनके लिए दम आलू बना दिए। अखिलेश को मटर पुलाव पसंद है, तो मटर खरीद के लाके उसके लिए मटर पुलाव बनवाया है। केजरीवाल जी को करेले की सब्जी पसंद है, उनकी करेले की सब्जी अभी बन रही है, बनने में टाइम लगेगा। और तुम्हें भिंडी की सब्जी पसंद है क्या? नहीं है, बताओ, तुम्हारी भिंडी की सब्जी अभी बन रही है। हाँ योगी जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, भिंडी की सब्जी के अलावा मुझे कोई सब्जी अच्छी ही नहीं लगती। योगी जी, ये बकरी और गाय आप ही की हैं? हाँ मोदी जी, ये बकरी और गाय मैंने ही पाल रखी है। वैसे योगी जी, एक बात बताऊं, आपकी मटर बिरयानी है बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया मटर बिरयानी बनाई है आपने, ऐसा लग रहा है उंगलियां चाटता ही रहूं। अखिलेश, हम जिसकी खातिरदारी करते हैं तो दिल से करते हैं। देखो, तुम सब लोगों को दावत पर बुलाया है तो सबकी मनपसंद की चीज बनवाई है। योगी जी, ये बकरी दूध दे रही है, अगर एक गिलास बकरी का दूध मिल जाता तो मजा आ जाता। यही तो दिक्कत है मोदी जी, अभी ये दूध नहीं दे रही है, चारा भरपूर खाती है लेकिन दूध नहीं देती है। लेकिन अगर आपको बकरी का दूध पीना है तो आपको जरूर मिलेगा, लालू जी के यहाँ से लाकर दे दूंगा आपको। योगी जी, करेले की सब्जी में थोड़ी सी शक्कर चीनी डाल देना, मुझे करेले कड़वे अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन करेले की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।